नमस्ते, वर्ल्ड ऑफ रेसिपीज़ के किचन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वैशाली और आज हम घर में बनाना सीखेंगे सोया मिल्क। इसका टेस्ट बिल्कुल बाजार जैसा होता है और ये उन लोगों के लिए परफेक्ट रेसिपी है जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, जो गाय और भैंस का दूध नहीं पी सकते हैं। इस मिल्क से हम टोफू बना सकते हैं या फिर उसे वैसे ही पी सकते हैं, अलग अलग फ्लेवर्स उसमें डालकर। तो देखते हैं हमें सोया मिल्क बनाने के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत है। सोया मिल्क बनाने के लिए हम लेंगे सोयाबीन के दाने, यहाँ ने 300 ग्राम लिए हैं, इससे लगभग 2 लीटर दूध बनेगा। अब हमें इन्हें अच्छे से वॉश करके 10 से 12 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखना है। अगर आपके पास 10 से 12 घंटे नहीं है तो आप इसको गर्म पानी में भिगोइए, फिर 6 से 7 घंटे सफिशेंट हो जाएंगे। मैंने ये सोयाबीन लगभग 10 घंटे से भिगो के रखा हुआ है। अभी आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा साइज़ में हो चुका है और ये फूल चुका है। अभी हमें करना है ये कि हमें ऐसे रगड़ रगड़ के इसके छिलके उतारने हैं और उसको अच्छे से धोना है, फिर छिलकों को निकाल देना है और फिर उसको अच्छे से वॉश करना है। अब मैं ये सोयाबीन बड़े बर्तन में डाल दूँगी। इसका छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है, ये आप देख सकते हैं। ये दूध को आप छिलके के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन छिलके के बगैर इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है और छिलका उतारने में बहुत टाइम नहीं लगता है। अभी ऊपर जो छिलका आया हुआ है हम उसे निकाल लेंगे। इसी तरह से हम ज़्यादा पानी डाल के उसको बार बार धोते रहेंगे जब तक कि पूरे छिलके ना उतर जाए। अब मैं इसमें नया फ्रेश पानी डालूँगी और पूरे छिलके उतारने तक इसको धोती रहूँगी। इस धुली हुई दाल को हम ब्लेंडर जार में डाल के थोड़ा पानी डाल के उसको पीसेंगे। हर बार थोड़ा थोड़ा पानी डाल के लगभग हमें पूरे दाल पीसने तक वहाँ पर हमें 2 लीटर पानी यूज़ करना है और हमें ये दाल बहुत बारीक पीसनी है। दूध अच्छे से बारीक पीस चुका है, अब हम इसे छानेंगे। एक बड़ा सा बर्तन ले लीजिए जिसका तला काफ़ी मोटा हो, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, स्टील का भी बर्तन ले सकते हैं। अब इसे छानना है, बट इसको बहुत हमें पतला छानना है तो हम इसमें ये छलनी में एक कॉटन का कपड़ा डाल देंगे। आप कोई सा भी कपड़ा ले सकते हैं, आप दुपट्टे का कपड़ा भी ले सकते हैं। और अब हम इसको छानेंगे। इस सोया मिल्क को आप बॉईल करने से पहले भी छान सकते हैं या फिर बॉईल करने के बाद भी छान सकते हैं। दोनों प्रोसेस से मिल्क अच्छा बनता है और स्वाद उन दोनों का ही सेम ही होता है। इस तरह से हम पूरा इसको छान लेंगे। इसको आप ऐसे स्क्वीज करके भी छान सकते हैं। सोयाबीन के पहली बैच से इतना दूध निकला है, बचे हुए सोयाबीन का दूध हम ऐसे ही बना लेंगे। अभी आप देख सकते हैं हमारे लगभग 2 से 2.5 लीटर ये दूध निकला हुआ है। हमने इसमें 2 से 2.5 लीटर पानी डाला था और इसका जो बचा हुआ पार्ट है सोयाबीन का, ये हमने बैचेस में किया है तो अच्छे से स्क्वीज कर पाए हैं हम इसको। इसकी आप अलग से कुछ रेसिपीज बना सकते हैं, जैसे कटलेट बना सकते हैं, इसका पराठा बना सकते हैं। मैं जल्द ही पोस्ट करूंगी इसकी रेसिपीज। अभी हमें इसे लगातार चलाते हुए 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है, लेकिन जब चलाते हैं उसको तो ध्यान रखिए कि तलवे से लेके आप इसको चलाएं, क्योंकि जो भी इसके सोयाबीन के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे चिपक ना जाए। तो पूरा नीचे से घुमाते हुए आपको इसको चलाना है और कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में आपको घुमाना है। अभी हमारा दूध पक गया है, इसके ऊपर जो झाग आ रहा है वो हम निकाल लेंगे। पूरा झाग अच्छे से आप निकाल लीजिए, जितना भी झाग ऊपर से आता है
क्योंकि ये मिल्क का स्वाद खराब कर देता है, तो आप इसको निकालना बहुत आवश्यक है। ये झाग निकालने के बाद हम लोग गैस बंद कर देंगे और दूध को अच्छे से ठंडा होने देंगे। हमारा सोया मिल्क अभी ठंडा हो गया है, हम इसे किसी जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। 300 ग्राम सोया सीड से हमें लगभग 2 लीटर सोया मिल्क मिला है और ये पूरी तरह से तैयार है। आप इसको शक्कर डाल के ऐसे ही पी सकते हैं, या फिर आप इसका टोफू भी बना सकते हैं, या फिर इसमें कोई भी फ्रूट डाल के आप इसका मिल्क शेक बना सकते हैं। जैसे चाहे आप इसे इंजॉय करें। बहुत ही स्वादिष्ट सोया मिल्क तैयार है। आप इसे शक्कर डाल के वैसे ही पी सकते हैं, या फिर आप इसमें नए नए फ्लेवर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे चॉकलेट हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया। इस तरह से आप फ्लेवर्ड मिल्क भी उसको बना सकते हैं, या इसमें उससे आप टोफू भी बना सकते हैं, जो कि एक पनीर होता है जो सोया से बनता है। मुझे आशा है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आए। ऐसी अनेक यूजफुल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरी आने वाली रेसिपीज़ का। धन्यवाद।